जी मेरा नाम अमजद रशीदा जी और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है तरक्की फाउंडेशन जो बलुचतान में पिछले 25-30 सालों से काम कर रही है उसमें एज ए चीफ़ एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ आ, ये बेसिकली हमारी जो कैंपेन है ये अकवा मुतहदा का एक अदारा है यू एन डी पी उनके तावन के साथ मिलकर जिसमें हम तकरीबन कोई दस हज़ार डेली वेज जो कि कोविड से जिनका रोज़गार मुतासर हुए उनको इंगेज किया और ये मजदूर जो आप देख रहे हैं इनको डेली हम स्ट्राइपेंट भी दे रहे हैं तो ये ओवरऑल हमारा टारगेट है माँच तक हम एक लाख के करीब दरख्त जो है जिसमें कोयटा बनखुशदिल खान पेशीन का इलाक मसल कोटा में एयरपोर्ट एयरपोर्ट रोड उसके अलावा नवाकली बाईपास इन, इन इलाकों में जिना टाउन में समगली टाउन में और नोशकी के इलाक़े में ये तकरीबन हम ये दरख्त लगाएंगे इसमें हमारे साथ जो तावन है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है यू एन डी पी जो है वो हमें इसमें माली और टेक्निक की मावत करें अब इसके साथ साथ कुछ और अदारे भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं जिसमें पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फ़ंड है वो हमारे साथ शामिल है हमारी और मैंबर आर्गनाइजेशन है वाटर इन्वामेंटल एंड सैनिटेशन सोसाइटी वो भी शामिल है इसमें हम ना सिर्फ ये कि शहरीों को इन्वाल्व कर रहे हैं बस उसके साथ साथ जो हमारे जो माहरीन हैं जो हमें इस पर ये राय दे रहे हैं कि इसको किस तरीके से अच्छे तरीके से लगाया जाए ताकि ये दरख्त बाद में उग भी सके और सरसब्ज़ भी हो सके इसकी, इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक तो हमने ये कैंपेन की हुई है कि लोग एडॉप्ट करें ट्रीज को ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है कोई बैंक कर सकता है यूनिवर्सिटी कर सकती है और हमारे पास इस तरह से लोग आ भी रहे हैं अप्रोच भी कर रहे हैं दूसरा ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमने बाकायदा एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि जिसमें हम ये दरख्त लगाएंगे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ज़िम्मेदारी ली है कि उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल बनखुश दिल खान में जहाँ पर हम कोई बीस हज़ार के करीब दरख्त लगा रहे हैं वहाँ पर वो सोलर ट्यूब वेल भी लगा रहे हैं वाटर पम्प करने का भी जिम्मा ले रहे हैं मसलक में भी इस तरह से ट्यूब वेल है पुलिस डिपार्टमेंट नोशकी में उन्होंने उनका अपना ट्यूब वेल है और उनके पास लोग भी हैं उसको मैंटेन करेंगे इसके साथ साथ हमने खुद अप अपना एक प्लान बनाया हुआ कि जब ये प्लांटेशन हो जाएगी तो हम अपने इदारे की तरफ से हम डेली वेजेज़ जो है न, टेकर उनको जो है ना हम इंगेज करेंगे और वो आ, हम प्रॉपर मॉनिटर करते रहेंगे उसकी वाटरिंग भी करेंगे इसकी देखभाल भी करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब किया जाए जी बेसिकली कुछ सत्तर हज़ार पौधों का प्रोग्राम है यू सपोर्ट कर रहे हैं आपको पता है ये पूरा दो जिस तरह कोरोना की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैली है और ख़ास तौर पर जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हालात रहे तो उन चीज़ को देखते हुए एक तरफ कैश फॉर वर्क है कि वो डेली वेज वर्कर्स जिनको एक काइंड ऑफ रेगुलर रोज़गार मिल गया है और दूसरा हमने कहा कि एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को देखते हुए बल्चान के तो ट्री प्लांटेशन को इसके साथ मर्ज किया तो बहुत खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट बलोचस्तान का इसमें इंटरेस्ट है दे आर टेकिंग लीड सेक्ट्री फॉरेस्ट और उनका अमला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारी टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट है और क्रेडिट आल्सो गोज़ टू तरक्की फाउंडेशन और वेस्ट ये जो मिल के सारा आज आप देख रहे हैं तो एक किस्म का मोबलाइज किया है लोगों को भी और आज ये जी कॉलोनी को हम एक मॉडल के तौर पर हम लिया हुआ है इसमें लो कॉस्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी चल रहा है यू का साथ ही हमने इसको क्लब किया है कि ट्री प्लांटेशन भी हो तो ये और ये प्रोजेक्ट है और उम्मीद है इंशाल्लाह ये जितना ट्री प्लांटेशन की मुहिम होगी अप टू मार्च तो इसमें तकरीबन उम्मीद है कि सत्तर हज़ार दरत लगाए जाएंगे चैलेंज बाहर ये है कि उस सत्तर हज़ार दरख़्त की निगरानी और उसका ख्याल कैसे रखा जाए तो इसमें जो बहुत बड़ा रोल है डिपार्टमेंट और हम एन जी ओ या तरक्की तो होंगे लेकिन एक अल्टीमेटली कम्यूनिटी है अगर लोग इस बात को रियलाइज़ करें कि जो दरख्त लग रहे हैं और उसका ख्याल भी रखा जाए पानी भी दिया जाए एक और मैं यहाँ मैंशन करूँगा कर जो अमजद और तरक्की फाउंडेशन ने स्टेप लिया है आ, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो है एडोप्ट ट्री प्रोग्राम तो अगर हर बंदा कोई दरख्त अडोप्ट कर ले फैमिली अडोप्ट कर ले तो मुझे उम्मीद है इन कि जो सत्रह हज़ार लगाएँ अगर इसमें सेवेंटी एटी परसेंट भी सर्वाइव कर जाएँ तो एक बहुत बड़ी चेंज होगी बहुत शुक्रिया आ, पहले तो ये कि बहुत ही अच्छी हमारी एक इनिशिएटिव कह लेंगे तरक्की फाउंडेशन ने चूँकि पहले भी हम लोगों ने एग्रीकल्चर के हवाले से भी काफ़ी काम किए हैं लेकिन अभी चूँकि हमारे जो इस चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अमजद रशीद साहब उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि शजरकारी के हवाले से कि अभी आज बाकायदा तौर पर हम लोगों ने आगाज़ किया है इस चीज़ का और चूँकि हमारे वैसे भी बलूचिस्तान में जो है हमें बहुत ज़रूरत है प्लान्ट की हमारे यहाँ दरख्त की बहुत शॉर्टेज है ग्रीनरी हमारे कोयटा से लेके पूरे बलोचिस्तान में नहीं है कुछ दरख्त वगैरह जो काट लिए जाते हैं उससे भी बहुत हमारे एटमासफियर पर हमारे जो मौसम पर बहुत फ़र्क पड़ता है और यहाँ हमारे साथ हमारे पी पी एफ़ डोनर हैं वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट लोकल एन जी ओज़ हैं गवर्नमेंट के इदारे हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं और तरक्की बहुत थैंकफुल है इस चीज़ के लिए और मेरा ख्याल है कि और लोगों को भी हम सब को इनकलूडिंग मी हम सब को इस शजरकारी की मुहिम में बाकायदा तौर पर हिस्सा लेना चाहिए ये नहीं कि खाली लगा के छोड़ दें उसकी टेक केयर के हवाले से कोई ऐसा मेकनिज़म बनाना चाहिए और जैसा कि हम लोगों ने बनाया है और बाकायदा तौर पर कम्यूनिटी इन्वॉल्व है इसमें और कम्युनिटी बा, बाद में बाकायदा तौर तो पर इसकी निग्दाश करेगी